मोबाइल का स्क्रीन लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए स्टेप वन, पहले डेवलपर मोड को ऑन करना है। सेटिंग में अबाउट फ़ोन या अबाउट डिवाइस आपका ऑप्शन आएगा। अलग अलग मॉडल फ़ोन में हो सकता है आपका अबाउट फ़ोन आए या अबाउट डिवाइस आए, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका पेज यहाँ पे खुलेगा। आपको या तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन रहेगा किसी किसी मोबाइल में, और किसी में वर्ज़न होता है, वर्ज़न पर क्लिक करना है और बिल्ड नंबर पे जाना है। बिल्ड नंबर सब में यही होता है, इस पर लगातार टच करना है। आपको यहाँ पे नीचे मैसेज आएगा, यू आर वन स्टेप अवे, यू आर टू स्टेप अवे। ये पासवर्ड अगर डाले हैं तो पासवर्ड आपको पूछेगा, पासवर्ड डालना है और वो इनेबल का मैसेज दे देगा, यू आर इनेबल। उसके बाद SCRCPY गूगल से डाउनलोड करना है स्टेप टू, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। SCRCPY गूगल पे सर्च करना है और डाउनलोड लिंक आपके स्क्रॉल करके नीचे आएगा। ये लिनक्स के लिए अलग, विंडोज़ के लिए अलग ये लिंक होता है यहाँ पे, ये लिनक्स के लिए है। और इसके नीचे विंडोज़ के लिए ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। SCRCPY 64 बिट का ये लिंक है, इस पर क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया, हमने फॉरवर्ड करके दिखाया है। क्लिक करके आप इसको, इसके अंदर जो फाइल है उसको कॉपी करना है, एक फोल्डर बना के उसमें इसको कॉपी करना है। कॉपी किया हमने और ये अपने कहीं भी किसी टाइम में SCRCPY फोल्डर बना के आप उसको कॉपी करिए। तो ये हमने कॉपी कर दिया इसके अंदर, और इसमें SCRCPY फाइल है जो एप्लीकेशन फाइल है। अब स्टेप थ्री में मोबाइल को डाटा केबल से कनेक्ट करना है। ये मोबाइल से डाटा केबल को हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसमें आपको डिबगर डेवलपर ऑप्शन में जाना है और USB डिबगिंग ऑन करना है। देखिए डेवलपर ऑप्शन आपके सेटिंग में, इसमें जो मैं कर रहा हूँ ये एडिशनल सेटिंग के अंदर डेवलपर ऑप्शन मिला है, अपने अपने मोबाइल में देख लेना है। ये डेवलपर ऑप्शन तो हमने पहले इनेबल कर ही दिया था, अब यहाँ USB डिबगिंग को ऑन करना है। जैसे ही USB डिबगिंग ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया, आप देख सकते हैं ये पहले से किसी का ऑन भी हो तो ये देखिए अलाव मांगेगा। जैसे ही आप USB डाटा केबल से कनेक्ट करते हैं मोबाइल को, तो अगर डिबगिंग ऑन है तो ये अलाव का मैसेज तुरंत आ जाएगा। अलाव हमने कर दिया, अब ये आपका मोबाइल का स्क्रीन इस पर आने के लिए रेडी है। अब जो SCRCPY जो है ये आपने कॉपी किया था, ये रहा एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं इसके सामने एप्लीकेशन लिखा हुआ, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। राइट क्लिक करके ये देखिए एप्लीकेशन है, ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ही करेंगे तो ये यस नो पूछेगा, यस नो पर क्लिक करेंगे, ये देखिए रन हो रहा है और आपके मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पर आ गया। अब आप यहाँ पर टच से भी काम कर सकते हैं और आपका इसमें माउस भी काम करेगा, माउस से आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये हमें कहाँ फ़ायदा होता है, जब हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, ट्रेनिंग वीडियो, तो हमें मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करना हो तो आप स्क्रीन रिकॉर्डर से आपका यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल से कुछ भी चलाएंगे वहाँ पे चलेगा और ट्रेनिंग देंगे और स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं बेसिकली। या तो एंड्रॉयड डेवलपर इसका यूज करते हैं, उनको टेस्टिंग करना होता है ऐप, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो मैं चला रहा हूँ वो इजीली चल रहा है। ये देखिए मैंने इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना दिया, इसको क्लोज कर दिया, अब इसको यहाँ पे बन गया, इसको क्लोज करिए। अब देखिए जैसे ही ये इसको कनेक्ट करना है, अलाउ करना है और ये डबल क्लिक कर देना है, बस आपका स्क्रीन हाजिर है। अब आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी जानकारी आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।